और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उन्नाव रेप मामले में, उन्नाव गैंग रेप मामले में आज तक की खबर का असर देखने को मिल रहा है। पुलिस ने बांगरमऊ से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कुल चार लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। पुलिस ने एफआईआर में भी बदलाव किया, 4 अप्रैल को पिटाई को लेकर ये एफआईआर बदली गई है। पहले पीड़िता के पिता को मारपीट के मामले में पकड़ लिया गया था, जिसमें जेल में उनकी मौत हो गई थी। इसमें पुलिस ने दो निर्दोष आदमियों को जिनको फंसाया जा रहा था उनको पुलिस ने जब सबसे मजबूत दिखा रहे होंगे, क्योंकि जब मृतक को एडमिट कराया गया कि इन दोनों में क्यों कमी आई और क्या कमी रह गई और क्यों ऐसी बात आई है जिसमें कि कुछ लोगों का नाम जब एफआईआर के स्टेज पे नहीं था तो बाद में किस कारणवश नाम और भी लोगों का उसमें आया है, यही सब जांच का बिंदु रहेगा। The crime branch investigated and that is how you got to know that Mr. Sengar was present at the spot when this meeting took place. But there are documents including the handwritten complaint of the family that names him, and yet the FIR did not name him. So there is a contradiction there. And where does the buck stop? Is it enough to suspend the local police officials or does the buck stop somewhere else, sir? Because it didn't really need a crime branch investigation. It was there in the complaint. They said that Mr. Sengar was there. But the police did not register, the FIR didn't name him. As I said, the entire gamut of complaints which have been alleged by the complainant will be factored into by the SIT, and whatever legal action can be taken will be taken. Let me tell you that there is a provision under the CRPC wherein the investigation can take place at any time under 173(8) of the CRPC. And if there are new facts, and even further investigation can happen anytime. But was this not a clear attempt, sir, at that moment to shield influential people who owe allegiance to the MLA there? I mean, it's very clear that these are written documents. The SIT will establish all that. And prima facie, as you are aware, the SHO of the police station and 5 other police personnel have been suspended on grounds of dereliction of duty and on grounds of some malafide consideration, prima facie. So the entire issue will be reconstructed. And whoever is culpable or whoever has tried to shield anybody will be taken to task. Sir, is colon perforation a sign of torture in police custody? Colon perforation, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ? This is the matter of the judicial inquiry. 176(1)(a) of the CRPC says that whenever a death occurs in custody, be it police custody or judicial custody, the entire inquiry will be done by the judicial magistrate. And therefore, the judicial magistrate will factor all these things and take a view. SIT क्या सिर्फ जो पीड़िता के आरोप है इन्हीं मामलों की जांच करेंगे या उन्नाव में तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी उनके खिलाफ अलग अलग मामलों में आरोप लगाते रहते हैं उनके आरोपों का भी संज्ञान लिया जाएगा? SIT का गठन एक उद्देश्य से किया गया है, इस पूरे प्रकरण से संबंधित जो भी आरोप है उनकी जाँच करने के लिए और उसमें विधि कार्रवाई करने के लिए। सर, क्या जब उनको चोट लगी थी तो क्या उनका इलाज मुकम्मल नहीं हो पाया था, जो बाद में और कॉम्प्लिकेशंस कोई जेल में हो गए, क्या बीच में ही उसको जेल भेजने भेज दिया गया? मैं आपको ये बता दूं कि जब इनका दाखिला किया गया था थाने पे तो तत्काल उनको अस्पताल ले जाया गया था और अस्पताल से ही उनको जेल रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने एम्बुलेंस में ले जाया गया। तो यहाँ किसी प्रकार की थाने पे लाने की बात या उसमें कोई देरी नहीं हुई है, और अगर किसी प्रकार का कोई आरोप है इस संबंध में जो कि अभी तक नहीं आया है तो SIT इस बारे में जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। फेलियर जो आपने कहा कि 22/8/17 को उनका नाम जब दोबारा दिया विधायक का, तो क्या उस मामले में उन्नाव पुलिस उनके खिलाफ कोई FIR नहीं? 22/8/17 की कंप्लेंट सबको दी गई और 22/8/17 की कंप्लेंट के आधार पर उन्नाव पुलिस से एक रिपोर्ट प्राप्त की गई। उन्नाव पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि इस मामले में जब 164 के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने हो गए हैं और ऐसी बात नहीं आई है तो कोई ऐसा तथ्य नया नहीं आया है जिसके आधार पर इसके और चार्जशीट। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।